सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और ये डिटरमिनेंट चैप्टर 4 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 2014 और 2018 के एग्ज़ाम में आया है। ये आपके एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट है। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन बेटा? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x, 4, 6x, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और चार ऑप्शन आपको गिवन है। क्लियर? तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? वन मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने जस्ट एक, मैं कहूँगी कि भाई अपने मोटा मोटा अपना सॉल्यूशन करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि यही क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स में होता, अगर यहाँ दोनों तरफ मैट्रिक्स का साइन होता, तो हम केवल एलिमेंट्स को कंपेयर करते, लेकिन ये डिटरमिनेंट का साइन है भाई, ठीक है ना। मैट्रिक्स का साइन आपका ये होता है 2, 4, 5, 1, और ये ऐसे होता है इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो हम ए को 2 के इक्वल रखते, बी को 4 के इक्वल, सी को 5 के इक्वल और डी को 1 के इक्वल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, तो हम कैसे करेंगे? 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू 2x, 4, 6 और x। तो हम पहले दोनों डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो 2 की 1 से प्रोडक्ट करेंगे, 2, 1 जा 2 माइनस 5, 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² माइनस 6, 4 जा 24। और अभी हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाती है जिसे हम सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस 20 हो जाता है -18। दिस इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। 24 को हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x². 24 में से 18 जाएगा बेटा, तो 6 इज इक्वल टू 2x². इस 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 6/2 इज इक्वल टू x², और x² की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है। ओके, और अब हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? हम बोथ साइड्स पर अंडर रूट ले देंगे, तो जैसे यहाँ स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस √3, जो कि हमारे ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, दैट इज़ नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस तरह के कई क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। सेकेंड है बेटा आपका, देखिए, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x, 5, 1x इज इक्वल टू 2, 0, माइनस 1, 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सेम उसी लाइन पर है, और ये हमारा 2020 के फाइनल एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो बिल्कुल ईजी काम है हमारा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3x को 5 से, भाई 3x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x इंटू 5 माइनस इस डायगनल को मल्टीप्लाई करना है 1 को 5 से, इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाना है, माइनस 1 को 0 से करना है, माइनस 1 इंटू 0, और आगे हम सॉल्व कर देंगे। भाई 3, 5 जा कितना हो गया? 15x माइनस 5, 1 जा 5, 2, 2 जा 4 माइनस 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0, तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो अपना 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा? 15x 5 भाई माइनस है, राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। मैं यहाँ कर देती हूँ इसको, तो 15x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x आपका, देखो 15 इधर लेफ्ट में है मल्टीप्लाई में, तो राइट में आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, 3 जा 9 और भाई 3, 5 जा 15। क्या हमने कुछ गलती की है भाई? ओहो, ये देखिए, यस, हाँ, मैंने इधर एक्स था और मैंने इधर नोट करते वक्त 5 लगा दिया, तो ये एक्स है, ठीक है भाई, ये एक्स है, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे यहाँ कहीं दिखा नहीं ना, तब मुझे लगा कि ये अपना एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक बार जल्दी से अब आपको ये पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x²
माइनस फाइव और ये प्रोडक्ट आपकी आ रही है 4-0, तो 5 राइट में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 3x² इज इक्वल टू 4+5 दैट इज 9, 3 राइट में जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3, बिल्कुल अपने जो लास्ट क्वेश्चन में x² इज इक्वल टू 3 आया हुआ था वही सेम वैल्यू हमारी यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, x² पर भी अंडर रूट ले लेते हैं और 3 पर भी, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी ±√3 आ जाएगी, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी था, तो यहाँ हम सी पर टिक लगा देते हैं और यहाँ पर बेटा हम डी पर टिक लगा देते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम लाइन पर थे और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी लाइन पर है। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 है और 2019 और 2020 में दो बार ये हमारा आया हुआ है। तो क्योंकि हम ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। ये देखो भाई, x को x से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा x² माइनस 18 2 जा 36 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 माइनस 18 2 जा 36, 36 में से 36 गया तो अपना 0 आ जाएगा। x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 36 माइनस का है राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0+36 दैट इज 36, तो बेटा ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 36। बोथ साइड्स जब आप स्क्वेयर रूट लोगे तो यहाँ कैंसिल हो जाता है और x की वैल्यू ±6 आएगी जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो यहाँ हम अपना राइट आंसर लिख देंगे ±6 जो कि सी पार्ट है हमारा। और बिल्कुल सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि किसी ईयर में तो नहीं आया हुआ है बट ये एग्जांपल नंबर 5 है आपकी एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 3x(x1) इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3x2x4x1। भाई इन क्वेश्चंस में आपने यही ध्यान रखना है कि अगर डिटरमिनेंट का साइन है तो एक्सपेंड करना है, मैट्रिक्स वाली गलती नहीं कर जाना कि भाई 3 से 3 मैच कर रहा है 1 से 1 तो x यहाँ 4 है और यहाँ x2 है, बिल्कुल भी नहीं। आपने बोथ साइड्स को एक्सपेंड करना है, 3 1 जा 3 माइनस x² 3 1 जा 3 माइनस 8, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और दोनों तरफ बच गया माइनस x² इज इक्वल टू माइनस 8, भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x² इज इक्वल टू 8, स्केयर एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट किया तो ये तो x बन गया और 8 का अंडर रूट क्या होगा, 4 2 जा 8 आपका, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा भाई 4 2 जा 8 प्राइम फैक्टर कर लो ना इसके, अभाज्य गुणनखंड कर लो तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2 2√2 आ जाएगा ये अपना, तो x की वैल्यू हो गई 2+-2√2 जो कि हमारा फिर से कौन सा ऑप्शन आ जाता है, सी हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2011 और 19 में आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज -110 नन ऑफ दिस, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखो डिटरमिनेंट को बेटा हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो 1 3 5 2 6 10 31 11 38। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में आएगा कि हम इसे एक्सपेंड करें, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले मैं सलाह दूंगी कि एक बार इसको क्रॉस चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो लाइन या दो रो कॉलम इसमें आइडेंटिकल हों, थोड़ा ध्यान दो, 1 2 जा 2 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, इस लाइन का डबल है ये जो R1 है और ये जो R2 है, R2 R1 से दुगनी है, दूर से ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अगर मैं R2 में से 2 कॉमन ले दूं, ठीक है भाई, एग्ज़ाम में तो हमने कुछ भी नहीं, जस्ट आंसर को ही तो टिक करना है, तो लॉजिक तो समझना पड़ेगा ना। 1 3 5 2 कॉमन ले दिया तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 31 11 और 38। और अब यहाँ पर हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो वो डिटरमिनेंट क्या बन जाता है, 0। 2 ऑलरेडी बाहर था, इसकी पूरे की वैल्यू 0 एंड 2 × 0 0, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, दैट इज 0। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपके ये डिटरमिनेंट के। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ
A312A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 to 18, 6 देन द वैल्यू ऑफ A. ये 2010 में, 18 में और 19 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है. तो बिल्कुल उसी तरीके से अब हम इसको करते हैं जैसे अब तक करते आ रहे हैं. ये मेरे ख्याल से 5th क्वेश्चन है हमारा इसी रो में. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपने रोंग नहीं करना है. ए को ए से करेंगे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर 12 3 जा 36 6. देखो आपको भी मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ. ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में x 2 18 x 6 2 18 6 था और क्वेश्चन नंबर 6 में x के प्लेस पर जस्ट a आ गया है. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है. a स्क्वायर अपना कितना आ जाएगा 36 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर d हो जाता है. तो ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज को घुमा के दे सकते हैं तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं बेटा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2008 में 2019 में आया है. ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7th का थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी से. फिर वही क्वेश्चन है तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फॉलोइंग 2 5 जा, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं इस डायगनल को, प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 2 3 जा 6x. बिल्कुल आसान, माइनस 2, 5x में से 6x गया माइनस x, x से x कैंसिल और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 2 आ जाती है. क्लियर. ऑप्शंस अगर आपको गिवन नहीं है, ऑप्शंस भाई मैं राइट करना भूल गई हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास इट इज़ आई थिंक डी ऑप्शन है. तो यहाँ ऑप्शंस में राइट करना भूल गई हूँ तो वो आप ऑप्शंस देखकर अपने आंसर लिख लीजिएगा. क्लियर. चलते हैं अब हम 8th क्वेश्चन पर बेटा. देखो क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 4 m5 इज इक्वल टू 3. अब डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड करके दे दिया, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m. तो m की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है. तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. ये सभी क्वेश्चंस अभी तक हम देख रहे हैं एक ही लाइन पर हैं. ये एक जैसे क्वेश्चंस मैं आपको एक सीक्वेंस में किस लिए कोशिश करती हूँ करवाने की, कि एक जैसे जब आप 7-8 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है. ये 2014 और 18 के एग्ज़ाम में आया हुआ है तो क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे. देखो कितनी बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा घूम फिर कर आएगी. उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, रटना नहीं होता है. ये हो गया 5 3 जा 15. अब ध्यान देना भाई, 5 3 जा 15 माइनस, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस 4 into m इज इक्वल टू 3. ये बात मैं बहुत बार अपनी छोटी छोटी बातें अपने हर लेक्चर में बताती हूँ जहाँ बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं. तो माइनस माइनस प्लस 4m इज इक्वल टू 3. 4m को हमने लेफ्ट में रखना है, 15 को राइट में ले जाना है, 3 - 15. तो बेटा जी 4m इज इक्वल टू 3 में से 15 गया माइनस 12 और m हमारा आ जाएगा माइनस 12/4 यानी कि माइनस 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ये अब हमारा थोड़ा हटकर क्वेश्चन आ रहा है. अभी तक 8 क्वेश्चन जो थे वो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के ही थे. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस. ये देखिए क्वेश्चन 2018 में, 2009 में, 2008 में और 2003 में भी आया है. तो यहाँ आपको क्या दिया गया है कि ये आपका एक ट्राइंगल है, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है और इसके वर्टिसेस हम क्या लेते थे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और भाई एक्स थ्री वाई थ्री, यानी कि 1 - 1, 2 - 4 और -3 और 5. क्लियर, ये सब हम लेते थे. तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था, याद करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता था 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और बेटा जी x3 y3 इंटू में 1 आ जाता था और इसकी फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे. तो यहाँ मैं अब इसको सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान देंगे x1 y1 की जगह ये वाला 1 - 1 1 फिर 2 4 1 और -3 5 और 1. हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, बहुत इजी सा अपना डिटर्मिनेंट है, 2 ही मिनट लगेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1. एक नंबर का क्वेश्चन है हमारा.
आर वन से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो ये वन बाहर रखा, ये रो और ये कॉलम अपना गया, तो ये बना 4151। ध्यान देंगे, सेकंड एलिमेंट पर आते हैं हम। मैंने ये टिक लगा दिया है, मैं आर वन से इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने एक्सपेंड बाय आर वन। तो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी आता है, एक माइनस वन ये है, तो ये हो जाएगा प्लस वन, ये रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 2, 1, -3 और 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। देखो 2, 1, -3 और 1 का डिटर्मिनेंट, और प्लस में थर्ड हमारा आ जाता है 1, ये रो और कॉलम कैंसिल, 2, 4, -3, 5। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ूँ अब मैं, तो 1/2 × 2। अब बाहर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सिर्फ हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते, 4 × 1 = 4 - 5 ये आ गया, प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस यहाँ आएगा फॉर्मूले का, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3 और प्लस 5 × 2 = 10 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आ जाएगा हमारा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1/2, 4 में से 5 गया -1, प्लस 3 + 2 = 5, 10 + 12 = 22। क्लियर भाई? 5 - 1 = 4, 4 में 22 ऐड करेंगे 26 एंड डिवाइडेड बाय 2, 26 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 13 स्क्वेयर यूनिट्स। थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन ये बड़ा तब लग रहा है जब मैंने आपको ये ट्रायंगल बनाकर दिखाया है और ये फॉर्मूला लिखा है। जब आप इसको एक नंबर के लिए अटेम्प्ट करोगे तो आप डायरेक्ट इसे यहीं से स्टार्ट करोगे, क्योंकि कई दिन हो गए ना, अब आपको तो थोड़ा सा रिमाइंड कराना भी ज़रूरी था। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब ये ध्यान देना भाई, ये मैट्रिक्स है, देखो ये ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ये मैट्रिक्स है। इफ़ दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट आउट ऑफ दीज फोर। ये 2018 का क्वेश्चन है हमारा। तो हमने मान लिया, मैट्रिक्स को नाम दे दिया, लेट ए इज इक्वल टू 5 - a, a+1, 2 and 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इफ़ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर हो जाता है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये छोटी छोटी हर बात मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ अब हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या बनेगा, 5 - a, a+1, 2, 4, और इसको हम रख देते हैं इक्वल टू जीरो। जैसे हम इसको जीरो रखते हैं, प्रूव सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 - a × 4 - 2 × a+1 = 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 - 4a - 2a - 2 = 0 भैया ये a है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ अब मैं, 20 - 2 + 18 और 4 - 2 - 6a = 0, 6a को मैं राइट में ले जाती हूँ, तो 18 = 6a, हमने a की वैल्यू फाइंड करें तो 6 को 18 के नीचे ले आते हैं, 18/6 = a और 6 × 3 = 18 होता है, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। और लास्ट वाले में था हमारा 13 स्क्वेयर यूनिट्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी था। चार क्वेश्चन और देखेंगे हम, ये लगभग 28 के आसपास क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं इनको दो लेक्चर में आपको कवर करके दूंगी। ये है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ टू, देखो ये यहाँ पर गलती से लिखा गया था, ये केवल 2/2 का मैट्रिक्स है, आप ये ध्यान रखना, 2/2 का मैट्रिक्स है ये। इफ़ 2, 3 - l, पूरा एक कंप्लीट एलिमेंट है, 1 and 4, ऐसे है ये, देखिए a इज इक्वल टू 2, 3 - l, 1 and 4, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, वही बात आ जाती है, तो l की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये सिंगुलर है इसका मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0, बिकॉज a इज सिंगुलर, ठीक है ना। थोड़ा अधूरा सा ना लगे आपको, ये ना लगे कि क्या कर दिया ये मैंने, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2, 3 - l, 1 और 4 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए, करिए मल्टीप्लाई, यहाँ 4 × 2 = कितना आ गया, 8 - 1 को, देखो ब्रैकेट जरूर लगा लेना भाई, क्योंकि ये जो माइनस है ये बाहर वाले माइनस से मिलकर इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलती हो जाएगी। तो ये 1 × 3 - l आ गया इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिए, इतने आसान क्वेश्चन है, बस पूछिए मत, -3 - -l = 0, 8 में से 3 माइनस करोगे
5 प्लस एल इज इक्वल टू 0, 5 को राइट साइड में ले जाइए, एल इज इक्वल टू माइनस 5, जो कि हमारा ये देखिए ए ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाता है. गॉट इट. चलिए अब हम आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पर. ये दो तीन क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रही हूँ ये हमारे रिजल्ट पर बेस्ड है. देखो ये वाला क्वेश्चन बेटा 2018 के एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4.5 का 17th क्वेश्चन है और 2017 के एग्जाम में आया है. लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वेयर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 बाय 3. स्क्वेयर बोल दिया तो 3 रो हैं 3 कॉलम हैं. देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज. अब आपने यहाँ पर एक रिजल्ट को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर ए का ऑर्डर, ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर अगर एन है, ये रिजल्ट है डायरेक्ट याद कर लेना 1 मार्क के लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस 1. ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपने अपना याद रखना है. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 99% पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में. ये एन आपको पता होना चाहिए कि एन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस 1 होता है. तो अब यहाँ पर जो है सारी बात वही पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ एन के प्लेस पर हमारी वैल्यू कितनी है, 3 है. तो हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 माइनस 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वेयर, और वो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी आ जाता है. तो ये मेन रिजल्ट है जो कि आपने ध्यान रखना है, जिस पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलिए भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि फिर से 2017 के एग्ज़ाम में है. 4.2 का 15th क्वेश्चन है बेटा ये आपका. लेट ए बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है भाई. देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, के कोई स्केलर है. यहाँ फिर से एक रिजल्ट आ जाता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है, ध्यान देंगे, तो के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है. देखिए एक अभी पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको ये देखिए 2, 6, 10 में 2 कॉमन था तो एक ही बार बाहर लिया था. अगर इसमें होता तो फिर एक बार और बाहर लेते, इसमें होता तो फिर एक बार और बाहर लेते. तो डिटर्मिनेंट के अगर हर एलिमेंट में, ध्यान से समझे मेरी बात को, इसमें 3 रो हैं और हर रो में 2 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 एक बार में बाहर नहीं आएगा, वो तीनों रो में से 3 बार में बाहर आएगा. तो यही रिजल्ट यहाँ अप्लाई होता है कि के उतनी ही बार बाहर आएगा जितने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है. सिर्फ इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है. तो ये आपका सेकंड रिजल्ट है जो आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है, जो कि आपका यूज हो सकता है एग्ज़ाम में. क्लियर. बस यहाँ सब ऑर्डर का खेल है. ऑर्डर 3 है तो बाहर 3 आ जाएगा, ऑर्डर 4 है बाहर 4 आ जाएगा, ऑर्डर 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा. तो बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है कि के की पावर एन, और एन यानी ऑर्डर कितना है भाई, आपके सामने दिखाई दे रहा है 3 है ऑर्डर, तो के क्यूब इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. और ये इस लेक्चर का भाई लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. इफ़ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फिर वही बात आ जाती है. इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, यानी कि भाई जो हमारा मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है. एक बात को 2-3 तरह से आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपको हर एंगल से उसका मीनिंग पता होना चाहिए. इन्वर्टिबल बोल दिया तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर है. ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 है यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 4.5 का 18th क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है. और ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, नहीं उल्टा बता दिया मैंने, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट. देखो क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि पहले ए का इनवर्स निकालना है और फिर डिटर्मिनेंट निकालना है. तो
इसमें बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि ये इन्वर्स डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है और ये बन जाता है डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स। इसको भी आप स्टार करके अपना नोट कर लेना कि इन्वर्स का साइन डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स मैं अब यहाँ साथ साथ आपको राइट करती जा रही हूँ। एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के, शायद 20 जून से स्टार्ट हो जाएं, तो ये रिजल्ट वहाँ बड़े काम आने वाले हैं, आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं सब रिजल्ट्स ये। लेकिन अब इसको देखो तो ये ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये यहाँ तो भाई डिटर्मिनेंट ए है तो ऊपर पावर नहीं, और ये नीचे, थोड़ा सा ध्यान दो, पावर नेगेटिव है। डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, ये माइनस वन था नीचे आकर प्लस वन हो गया। और इसको आप क्या पढ़ोगे, वर्बली करोगे तो इसको क्या पढ़ोगे, वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमारा है बी ऑप्शन। तो ये बेटा 14 क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के आपके वीडियो लेक्चर्स में से लिए हैं। अगर इनमें कोई डाउट है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई और क्वेश्चन आपको कहीं से मिलता है, आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, and if you like my lectures then subscribe my channel, share my lectures with your friends. Thank you.